गुलबर्गा को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है और वो ज़रूरत नासिर हुसैन उस्ताद पूरा कर सकते हैं। ये तो कोई भी एक कारपोरेटर भी कर सकता है। नाली सड़क बनाने के लिए आप एक क़ायद को क्यों मुंतखब करते हैं कि एक बेबाक लीडर की, एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। और आज नासिर हुसैन उस्ताद को भी कमुल इस्लाम की तरह मुसलमानों का फायद बनने की ज़रूरत है और वो सलाहियत उनमें पैदा हो चुकी है, वो सलाहियत उनमें पाई जाती है। आप सब लोगों को मालूम है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, फिर भी याद दहानी के लिए आज का ये जलसा मुनक्किद किया गया है। मैं नासिर हुसैन उस्ताद की नज़र ये शेयर करना चाहूँगा कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो एक फौलादी क़यादत की ज़रूरत आज गुलबर्गा को है। अभी बहुत सारी तकरीरें हुई, मेरे अजीज़म अफजाल महमूद ने बहुत अच्छी तकरीर की, उन्होंने बताया कि क़ायद कैसा होना चाहिए, खुलकर इस पर बात होने की ज़रूरत है। ये जो आज का जलसा है ये बहुत मुख्तसर जलसा है, क़ायद में क्या खूबियाँ होनी चाहिए इस पर खुलकर बहस होने की ज़रूरत है। मैं अपनी तकरीर में इसी बात को 2-3 मिनट में आपके सामने रखकर अपनी जगह लूँगा कि गुलबर्गा के मुसलमानों ने एक तारीख बनाई है, उन्होंने हिंदुस्तान को एक क़यादत दी है, किसी पार्टी को नहीं। कमुल इस्लाम साहब जो थे वो किसी पार्टी के नहीं थे, बल्कि वो मुसलमानों के क़ायद थे। और आज नासिर हुसैन उस्ताद को भी कमुल इस्लाम की तरह मुसलमानों का क़ायद बनने की ज़रूरत है और वो सलाहियत उनमें पैदा हो चुकी है, वो सलाहियत उनमें पाई जाती है। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, आपको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। आज मुल्क के हालात क्या हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं, खुद गुलबर्गा शहर के क्या हालात हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज हर शख्स पर ये हकीकत आया हो चुकी है कि एक बेबाक लीडर की, एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम में इत्तेहाद पैदा होगा। इत्तेहाद के बग़ैर क़यादत मजबूत नहीं हो सकती और क़यादत को मजबूत करने के लिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। और ये इत्तेहाद जो है वो तमाम मिल्ली मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी है। हमको हमेशा ये गुमराह किया जाता है कि नालियों सड़कों डेवलपमेंट की बात की जाती है, ये तो कोई भी एक कारपोरेटर भी कर सकता है। नाली सड़क बनाने के लिए आप एक क़ायद को क्यों मुंतखब करते हैं? क़ायद वो होता है जो मिल्ली मसाइल में आपकी नुमाइंदगी करता है, ना कि नालियों सड़कों की बात करता है। तो मैं चाहूँगा, मैं ये स्टेज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि गुलबर्गा में एक सहाफ़ी होने की हैसियत से, मैं JDS का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी होने की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करके स्टेज शेयर कर रहा हूँ कि गुलबर्गा को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है और वो ज़रूरत नासिर हुसैन उस्ताद पूरा कर सकते हैं और ये आपके हाथ में है। अगर आप जिस तरह 1978 से कमुल इस्लाम को मुंतखब करते रहे एक मजबूत क़यादत को, उसी तरह नासिर हुसैन उस्ताद को भी मजबूत करके गुलबर्गा को फिर एक तारीख दोहराने की ज़रूरत है। शुक्रिया।